अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल सलीम, यूनिटी तेलंगाना ऑटो ड्राइवर फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज मीडिया कॉन्फ्रेंस करने की ये वजह है कि हफ्ते के रोज मेरे को ट्रांसफर्स वाले अरेस्ट करके चंचलगुड़ा जेल में जो है ना अरेस्ट बताए। इसकी वजह थी कि 2022 में पूरे ऑटो यूनियन की तरफ से, जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से खैरताबाद आरटीआई ऑफिस के सामने हम एहतजाज करे थे इस सिलसिले में के सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट जो है, रोजाना फिटनेस खत्म होने की वजह से रोजाना ₹50 उसको पेनल्टी हो रही थी और उसका एक साल का 18,250 हो रहे थे और दो साल के लिए जो है ना 36,500 हो रहे थे, तीन साल के लिए 54,750। तो ऑटो ड्राइवर नहीं कराने की वजह यह थी कि कोरोना 2019 में आया था, 20 में और 21 में तीन साल ऑटो ड्राइवर फिटनेस नहीं करा सके। इसकी वजह से जो है ना एक एक ऑटो वाले के ऊपर 50,000 से 1,00,000 रुपए तक की पेनल्टी हो रही थी। वो ₹50 दिख रहे थे लेकिन एक साल, दो साल, तीन साल के बाद उसकी पेनल्टी 75,000 तक जा रही थी। तो कोई भी ऑटो ड्राइवर नहीं बन सक रहा था और सारे ऑटो ड्राइवर परेशान थे। तो हम जो है ना यूनियन की तरफ से, पूरे ऑटो ड्राइवर की तरफ से जो है ना हम वहां पर धरना करे हैं खैरताबाद आरटीआई ऑफिस के सामने। तो धरने की वजह से हमारे को पंजागुट्टा पीएस में अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके जो है ना हमारे नाम और आधार कार्ड लेके छोड़ दिया गया। तो उसके बाद जो है ना हम जो है ना केस नहीं बुक हुआ समझे, लेकिन हमारे ऊपर केस बुक हो गया। केस बुक होने की वजह से जो है ना कोर्ट के जो सम्मान आए थे वो मेरे को नहीं मिलने की वजह से जो है ना मेरा अरेस्ट वारंट निकला। अरेस्ट वारंट निकलने की वजह से जो है ना मेरे को हफ्ते के रोज अरेस्ट करके चंचलगुड़ा जेल को भेजा दिया गया। तो हम जो है ना टीआरएस गवर्नमेंट 10 साल ऑटो ड्राइवर के जो भी मसले हैं कुछ भी जो है ना सॉल्व नहीं करे। तो अब इस बार कांग्रेस गवर्नमेंट आई, हम कांग्रेस गवर्नमेंट के सीएम साहब रेवंत रेड्डी साहब से ये अपील करते हैं कि हमारे ऑटो ड्राइवर के जो जो प्रॉब्लम्स है जल्द से जल्द जो है ना सॉल्व करके हमारे को राहत दिलाना बोल के हम जो है ना मीडिया के थ्रू हम गवर्नमेंट को ये डिमांड कर रहे। हमारे जो भी डिमांड्स है, जैसा मीटर जो है ना 10 साल से नहीं बढ़ाया गया और ऑटो ड्राइवरों के लिए जो है ना रोजगार के लिए उनको परमिट्स नहीं है यहाँ पर। हर गाड़ी खरीदना बोले तो आसानी से खरीद सकते हैं लेकिन ऑटो खरीदना बोले तो उसको परमिट होना 2002 में परमिट बंद हो गया। तो कांग्रेस गवर्नमेंट 2014 से पहले जो है ना 20,000 परमिट ऑटो ड्राइवरों को देके एक रोजगार दिया था। तो अभी तक जो है ना कुछ भी 10 साल टीआरएस गवर्नमेंट ऑटो ड्राइवरों के बारे में सोचे भी नहीं। तो हम रेवंत रेड्डी साहब से ये डिमांड कर रहे कि परमिट का भी जो है ना सोचिए और वेलफेयर बोर्ड का भी सोचिए। और ऑटो मीटर 10 साल से नहीं बढ़ा, हर चीज की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया, गैस का खर्चा बढ़ गया और जो है ना तरकारी का खर्चा बढ़ गया, किराने में जो है ना इजाफा होगा, लेकिन ऑटो ड्राइवरों के लिए जो है ना मीटर नहीं बढ़ा अभी तक। और कांग्रेस गवर्नमेंट फ्री बस देने की वजह से भी ऑटो ड्राइवर बहुत परेशान है, उनके रोजगार वो भी उसके वजह से भी छीना गया है। तो हम कांग्रेस गवर्नमेंट को ये डिमांड कर रहे जो भी मसले है जल्द से जल्द ऑटो ड्राइवरों के मसले हल करके ऑटो ड्राइवरों के प्रॉब्लम सॉल्व करना बोल के रेवंत रेड्डी साहब को अपील कर रहे और आप मीडिया के थ्रू हम उनके लिए उन तक बात पहुंचाना बोल के आप लोगों को ये अपील कर रहे। राहुल गांधी जब ना इलेक्शन से पहले आके ऑटो ड्राइवरों के मसले हल करेंगे बोल के ऑटो ड्राइवरों की एक मीटिंग लिए थे और जैसा हमारी गवर्नमेंट आती की पहला जो है ना आपकी डिमांड सॉल्व करते बोल के राहुल गांधी बोले से बात को भी रेवंत रेड्डी साहब उसका अमल नहीं कर रहे। तो हम रेवंत रेड्डी साहब को ये याद दिला रहे हैं, राहुल गांधी की बात पे हम आप लोगों को जिता के एहतियात में लाए, आप सीएम बने हमारे तरफ से। अब तो भी जो है ना आप हमारे ऑटो ड्राइवरों को बुला के और हमारे यूनियन वालों को बुला के जो भी मसले हैं, जो जायज मसले हैं हम उसको सॉल्व करो बोल के बोल रहे। ऐसा नहीं कि हमको घर बना के दे दो, हमारे को दौलत दे दो, बैंक से पैसे दे दो बोल के नहीं बोल रहे हम। हमारे जो डिमांड्स है, हमारे जो डिमांड्स है उसको जल्द से जल्द सॉल्व करो बोल के बोल रहे हैं। हम जो है ना ईद तक जो है ना खामोश बैठ के इसके बाद से फिर जो है ना जो भी हमारे से हो सका हम प्रोटेस्ट करेंगे। और धरना इंदिरा पार्क भी खुला है, अब इंदिरा पार्क के पास हम धरना करके जब भी नहीं करें तो हम जो है ना प्रगति भवन भी हम मुठड़ी करने का प्रोग्राम करेंगे।